हरे कृष्णा. टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 16, मैपिंग अवर नेबरहुड. नेबरहुड है ना हमारी आसपास की जगह. लेट्स फाइंड आउट हु आर अवर नेबर्स. हमारे नेबर्स कौन है? नेबर्स मीन्स पड़ोसी. व्हाट प्लेसेस डू वी हैव नियर अवर हाउस. हमारे आसपास कौन सी जगह है हमारे घर पे आसपास? स्कूल, अ ग्रॉसरी शॉप, अ मार्केट, अ वेल, अ रिवर और अ पॉन्ड. स्कूल है, ग्रोसरी शॉप है, मार्केट है, कुआं, नदी, पॉन्ड क्या है? व्हाट आर दे विथ रिस्पेक्ट टू अवर वेयर आर दे विथ रिस्पेक्ट टू अवर हाउ. दीज ऑल आर मेन टॉपिक दैट वी डिस्कस इन अवर टूडेज चैप्टर लेसन नंबर 16, मैपिंग अवर नेबरहुड. There are many places and important building near our house. हमारे घर के आसपास बहुत सी important जगह होती हैं, important buildings होती हैं. For example, there may be a public park, a school, a post office, etc. हो सकता है वो एक public park हो, school हो सकता है, post office हो सकता है. How do we explain the position of different places with respect to our house to our friend? किस तरह हमारे घर के आसपास जो चीज़ें हैं उसे हमें उसकी पोजीशन अगर हमें अपने फ्रेंड को बतानी है तो हम किस तरह ये बता पाएंगे? वी कैन डू इट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डायरेक्शन. इसे हम बता सकते हैं डायरेक्शन की हेल्प के द्वारा. अ मैप ऑफ द एरिया मेक द वर्क इवन सिंपलर. उस जगह का जो मैप रहता है वो हमें हेल्प करेगा किसी हमारे फ्रेंड को उस एरिया के बारे में बताने में, उसे समझाने में. Using directions to reach a place. Direction का use करना किसी जगह पर पहुँचने के लिए. We can take the help of four cardinal main direction and guide a person to reach anywhere in the colony. हम जो four main direction होती है उसके मदद से किसी भी person को, किसी भी एक आदमी को अपनी colony में कहीं भी पहुँचने में help कर सकते हैं. In the map given on the next page, one has to take the road that goes in the west direction for going to the police station. From the Bani's house, this road reaches up to the police station. Next page पे एक map दिया हुआ है. Next page पे एक map दिया है जो कि जाता है सीधा west direction में, जो कि बानी के घर के इधर एक police station है. This road reach up to the police station. ये जो है क्या है, ये पुलिस स्टेशन जाता है ये रोड. इसके बारे में बताया where is the police station with respect to the hospital. पुलिस स्टेशन जो है हॉस्पिटल से कहाँ है? द पुलिस स्टेशन इज ऑन द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के नॉर्थ साइड में जो है पुलिस स्टेशन है. यू हैव टू मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द रोड टू रीच द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल. आपको हॉस्पिटल से अगर पुलिस स्टेशन जाना है तो आपको नॉर्थ साइड में जाना पड़ेगा. सी दिस इज अ इमेज ऑफ अ मैप. Now tell the direction you have to move in order to reach the following places from Bani house, the fire station, the hotel, the beach, the hospital. Now we can see in this map कि हमें किस साइड जाना है, फायर स्टेशन जाना है, होटल जाना है, बीच जाना है या हॉस्पिटल जाना है. तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट या साउथ डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं जिस जगह हमें पहुँचना है उसके हिसाब से. लैंडमार्क्स. लैंडमार्क क्या होते हैं? लैंडमार्क आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन एन एरिया विच आर ईजी टू लोकेट. लैंडमार्क एक प्लेस का बहुत क्या होता है, इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है किसी एरिया का जिसे हम आसानी से उसके द्वारा कहीं पहुंच सकते हैं. अदर एरियाज कैन बी लोकेट विद द हेल्प ऑफ दीज लैंडमार्क. और इन लैंडमार्क के सहायता से हम आराम से किसी भी जगह के बारे में किसी को बता सकते हैं. इन द मैप शोन अबव इफ अ पर्सन वॉन्ट टू गो फ्रॉम बानीज हाउस टू रोहित हाउस देन द फायर स्टेशन कैन बी यूज एज अ लैंडमार्क. जैसे कि हमने ऊपर एक मैप देखा, उस मैप की मदद से अगर बानी के हाउस से किसी को रोहित के हाउस की तरफ जाना है तो हम एक लैंडमार्क बता सकते हैं फायर स्टेशन का. उसके हेल्प से वो कहाँ पहुँच जाएगा, रोहित के घर. कैन यू टेल एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन योर एरिया दैट हेल्प टू लोकेट योर हाउस. क्या आप अपने घर के पास का कोई इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बता सकते हैं?
यूजिंग सिम्बल्स एंड देयर की, सिम्बल और उसकी की को कैसे यूज करते हैं. अनदर मैप ऑफ अ कॉलोनी इज गिवन बिलो. इन दिस मैप सिम्बल्स एंड दिस की हैव बीन गिवन. लुक एट द मैप एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ ऑल द स्टूडेंट सी दिस मैप प्रॉपरली इन योर बुक. विद द हेल्प ऑफ दिस मैप वी कैन आंसर दिस दिस क्वेश्चन. वेयर इज द स्कूल इन द कॉलोनी फ्रॉम द एंट्रेंस. स्कूल जो है कॉलोनी के एंट्रेंस से कहाँ है. वेयर डू वी फाइंड द हॉस्पिटल विथ रिस्पेक्ट टू द एंट्रेंस. एंट्रेंस से किस तरफ जाने पर हमें हॉस्पिटल मिलेगा. हाउ वुड यू रीच द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द एंट्रेंस. एंट्रेंस से किस साइड हमें जाना चाहिए पुलिस स्टेशन के लिए. हाउ कैन वी गो टू द मेल फ्रॉम द स्कूल. स्कूल से जो है हमारा मेल किस साइड है. वॉट इज बिहाइंड द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन के बिहाइंड में मतलब पीछे क्या है. अंकिता लीव्स इन हाउस नंबर 2 एंड जेम्स लीव इन हाउस नंबर 12. अंकिता जो है हाउस नंबर 2 में रहती है जबकि जेम्स रहता है हाउस नंबर 12 में 12 में. हु हैज टू वॉक मोर टू रीच द स्कूल. स्कूल जाने के लिए किसे ज़्यादा चलना पड़ता है. नेम 3 बिल्डिंग दैट आर सिचुएटेड ऑन MG रोड टैगोर कॉलोनी. उन 3 बिल्डिंग्स के नाम बताइए जो MG रोड टैगोर कॉलोनी में है. Whose address is this? House number 2, Tilak Road, Street number 10, Tagore Colony. ये किसका address हो सकता है? House number 2, Tilak Nagar, Street number 10 and Tagore Colony. Now student, this is an activity that you have to do at your home. This is a map. This is a map and you can see this map properly and answer the following question. This is a homework activity for you. Did the key on the right side of the map help you in identifying the place and locating them? In this key, all the buildings and other places have been shown through symbols. आप इसमें ये जो हम मैप देख रहे हैं इसकी साइड में जो दिए कीज है मतलब इस तरह से बना हुआ है. ये मॉल के लिए सिंबल है. ये जो एक सिंबल बनाई है स्कूल का. इस तरह की जो बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल का है. This type of picture used for house and this one symbol is for playground and this one for police station. What if we had to draw a mall, a school or a hospital in the map? अगर हमें एक draw करना है mall, school or hospital map में, it would have been difficult and would have required a much bigger space. So symbols make it easier to help draw places and things and understand the map. क्या होता है सिंबल की मदद से हम सिंबल मतलब जैसे मॉल के लिए हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए हमें प्रॉपर छोटा सा कुछ भी इमेज बना सकते हैं जिसको जिसकी हेल्प से हम एक मैप पे शो कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा हमें स्कूल मॉल या हॉस्पिटल ड्रॉ करना होगा तो हमें बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत होगी और हम उसे छोटे से पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स एंड इमेज वी कैन ड्रॉ इजीली. वी कैन शो एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सिंबल बट इट शुड बी नोन इट शुड बी शोन इन द की सो दैट द मैप इज क्लियर टू एवरीवन. क्या होता है हम किसी भी सिंबल के द्वारा सिंबल हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को शो करने में बट क्या है उसका हमें की जो है की ऑप्शन में हमें जो है किस चीज़ को हमने किससे डिनोट किया है क्या सिंबल किस चीज़ के लिए बनाया है वो हमें की में मेंशन करना चाहिए जिससे क्या होगा हमारे लिए मैप सबके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा. स्केल ऑफ अ मैप. मैप का स्केल क्या है. अ मैप इज वेरी स्मॉल. मैप जो है बहुत मानचित्र मतलब बहुत छोटा होता है. ईजिली अंडरस्टूड पिक्चर ऑफ अ प्लेस. बहुत आसानी से हम किसी भी जगह को इसमें समझ सकते हैं. अ 1 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी शो एज 1 मिलीलीटर इन द मैप. 1 किलोमीटर दूर लंबी रोड भी मैप में जो है 1 मिलीमीटर के बराबर हमें दिखाई देती है. द मेंशन ऑफ द स्केल इन द मैप हेल्प अस टू जज द एग्जैक्ट साइज ऑफ अ एरिया.
स्केल यूज होता है मैप में, वो हमें हेल्प करता है कि हम एग्जैक्ट कितना दूर कोई जगह है एरिया में, वो हमें उसके द्वारा स्केल के द्वारा पता हो चलता है। नाउ लुक एट द मैप गिवन बिलो, नीचे दिखे दिए हुए मानचित्र को आप देखिए। इट शो द रूट ऑफ गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा एंड टुंडला। इस मैप के द्वारा हम न्यू दिल्ली से आगरा और टुंडला जाने का जो रूट है उसे हम समझ सकते हैं। मेजर द डिस्टेंस, इसके द्वारा हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू रियल डिस्टेंस बाय यूजिंग द स्केल गिवन, और इसके द्वारा ही हम एक्चुअली में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, वो स्केल के द्वारा हमें पता चल जाएगी। कैन यू गेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा बाय लुकिंग एट द स्केल गिवन? क्या आप एक्चुअली में न्यू दिल्ली और आगरा के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, इसको आप स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं? हिंट, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा यूजिंग अ थ्रेड। फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई दिस लेंथ विद द स्केल गिवन। नाउ स्टूडेंट सी दिस अ मैप एंड स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 किलोमीटर है, उसके हिसाब से हम इस स्केल के द्वारा हम इस मैप से फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यू दिल्ली से हमारा आगरा का डिस्टेंस क्या है। गिवन बिलो द बिल्डिंग प्लान फॉर अ हाउस विद द स्केल, यहाँ पे एक बिल्डिंग का प्लान दिया हुआ है, स्केल की हेल्प से बनाया है। कैन यू मेजर द टोटल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हाउस, क्या आप एक हाउस की टोटल लेंथ, लंबाई एंड ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं? सी स्टूडेंट दिस इज द इमेज ऑफ अ हाउस एंड स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इसमें 10 मीटर है। तो ये एक बनाया हुआ, एक प्लान किया गया है घर के लिए। तो क्या हम हमारी स्केल की हेल्प से माप सकते हैं लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, बाथरूम, बेडरूम जो है सब दूर का लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, टोटल एरिया क्या होगा, ये हम स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। ड्रॉ अ मैप ऑफ योर कॉलोनी शोइंग द लोकेशन ऑफ योर हाउस, मेन रोड, मार्केट, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। मेक योर ओन सिंबल टू शो दिस स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है, इसमें अपनी कॉलोनी का एक मैप ड्रॉ करना है और उसी में आपको आपके घर के पास का आपका घर, फिर वहाँ से मेन रोड कहाँ है, मार्केट कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये सब उसमें शो करने हैं और इसके लिए एक आपको उसमें सिंबल भी बनाने हैं। नाउ दिस इज अ एक्टिविटी, जस्ट ट्राई टू डू एट योर होम। थैंक यू, हरे कृष्णा।